और अब हम आपको ऑस्ट्रेलिया लेकर चलेंगे जो आज मोदी में नजर आया। सिडनी में मोदी मोदी के नारे लगे, विदेश में भारत की जय जयकार हुई। जापान पपुआ न्यू गिनी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर ऑस्ट्रेलिया में हैं। और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं वो अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करने के लिए काफ़ी है। मेहमान की मेजबानी के लिए ऑस्ट्रेलिया का सिडनी आज दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखा। ग्लोबल लीडर की लिस्ट में मोदी का कद कितना बड़ा है इसकी एक झलक आज सिडनी में दिखी, जहां एयरपोर्ट से लेकर होटल स्टेडियम सिडनी की सड़कों पर मोदी मोदी ही सुनाई दिया। सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम मोदी का पारंपरिक स्वागत हुआ और ऑस्ट्रेलिया ने अपनी परंपराओं को निभाया। मेहमान का खास अंदाज में स्वागत किया और फिर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुजारियों ने पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज का वेलकम किया, उनका स्वागत किया। लेकिन मोदी की लोकप्रियता की असली तस्वीर सिडनी के ओलंपिक पार्क में दिखी। ओलंपिक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20,000 भारतवंशियों को संबोधित किया। मोदी के इस कार्यक्रम को लेकर स्टेडियम की एक भी सीट खाली नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय तिरंगा लेकर स्टेडियम पहुंचे और हर कोई अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके खड़ा था ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो वो खींच सके। मोदी और अल्बनीज के स्टेडियम में दाखिल होते ही स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। आप भी सुन सकते हैं। सिडनी के ओलंपिक पार्क में आज मिनी इंडिया दिखाई दिया और पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज ने द लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला भी रखी। इस कार्यक्रम में 20,000 भारतीय मोदी को देखने और सुनने पहुंचे। कार्यक्रम में भारतीय संस्कृति की झलक दिखी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। भारत से हजारों किलोमीटर दूर ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू नाटू की धुन पर स्टेडियम पहुंचे 20,000 भारतीय झूम उठे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच करीब 7,809 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया में बसे भारतीय अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। इन भारतीयों के दिल में हिंदुस्तान बसता है और ये वो सच्चे भारतीय हैं जिनका घर विदेश में है लेकिन इनका दिल भारत के लिए धड़कता है। मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके पीछे 140 करोड़ से ज़्यादा भारतीय खड़े हैं और उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतकर सरकार बनाई है। यानी आज प्रधानमंत्री मोदी का स्टेटस सबसे बड़े और मजबूत ग्लोबल लीडर का है और वो दूसरे देशों के बीच स्वीकार्य भी है, जिसकी सबसे ताज़ा तस्वीर आज सिडनी में दिखी है, जहाँ मेजबान ने भी माना कि मोदी ही असली बॉस है। I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got.
मोदी वी लव यू मोदी 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 घटाए नब में छाई है भारत की जयकार देख ये भारत महर्षाई है भारत महर्षाई है जहाँ कहीं भी खड़े हो मोदी लाइन शुरू हो जाती है जहाँ कहीं भी अड़े हो मोदी हर आंधी रुक जाती है। मोदी जी हमारे मन में बसते हैं, मोदी जी एक सोच है, एक विचार है जो देश को बदल के एक तरक्की की तरफ ले जा रहे हैं और हम उसके साथ हैं। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। 12 हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमने समय के अनुसार खुद को ढाला है लेकिन अपने मूल सिद्धांतों पर हमेशा टिके रहे हैं। हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। जब भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी की थीम तय करता है तो कहता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। जो सपना आपके दिल में है वो सपना मेरे दिल में भी है। सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है भारत। अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। यूपीआई ने भारत में
फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। आज दुनिया के 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। Z News.